और बड़ी खबर है अहमदाबाद से, जहां भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने 235 रन का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को, 66 रन पर ही न्यूजीलैंड ने 10वां विकेट भी गंवा दिया। भारत ने 166 रन से मैच अपने नाम कर लिया है। बड़ी खबर खेल मैदान से जुड़ी हुई एक खबर है। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी था और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने 235 रन का टारगेट दिया था, फिलहाल भारत ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं, विशेष संवाददाता दिलीप काप से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिलीप जी, शानदार जीत भारत ने अपने नाम की है और ऐसे में चौथी सीरीज न्यूजीलैंड के नाम भारत ने अपने नाम कर लिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज थी, किस तरीके से ओवरऑल मैच को आप देखते हैं? जी, इस पूरे मैच के लिए जो सबसे अच्छी चीज इंडियन क्रिकेट के लिए हुई है वो ये है कि जिस तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों ने, पेसर्स ने आज प्रदर्शन किया है, आप देखिए कि न्यूजीलैंड के पूरे 10 विकेट भारतीय तेज गेंदबाजों ने चटकाए हैं, जिसमें से हार्दिक पंड्या ने 4 विकेट लिए है, उमरान ने 2 विकेट लिए है, अर्शदीप ने 2 और मावी ने 2 विकेट लिए है। ऐसा बहुत कम होता है प्रगति कि भारतीय पिचेज पे हमारे तेज गेंदबाज किसी टीम को ऑल आउट कर दे और इसमें स्पिनर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कमाल का प्रदर्शन है भारतीय गेंदबाजों का और जिस तरह से डोमिनेट किया न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को इस पूरी सीरीज में, पिछले मैच में भी और इस भी, खासकर इस मैच में आप देखिए कि अहमदाबाद की स्पीच पे भारतीय टीम जो है 235 रन का टारगेट दे रही है, 234 रन इजीली इतना डोमिनेट करके बना रही हैं और जो है वो एक समय 50 रन बनाना भी बहुत मुश्किल उन्हें हो रहा था और आधी टीम उनकी पहले 5 ओवर में जा चुकी थी। तो कमाल की गेंदबाजी भारतीय तेज गेंदबाजों ने किया। पिच की अगर हम बात करें तो शानदार प्रदर्शन भारत ने यहाँ पर किया है, शुभमन गिल ने काफी अच्छी पारी खेली, हार्दिक पांड्या ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन देखिए पिच पर जहां भारत के 234 रन बने, 235 का टारगेट दिया गया, वहीं हमने देखा कि न्यूजीलैंड की जो टीम थी 6 ओवर हाल ही में शुरुआती मैच में ही गंवा दिए गए, ऐसा क्यों? देखिए इसकी सबसे अच्छी बात जो इसमें रही है वो इंडियन गेंदबाजों ने पहले ओवर से ही जो है जिस तरह की लाइन और लेंथ पक। बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत ने शानदार जीत अपने नाम कर ली है, 235 रनों का यहाँ टारगेट दिया गया था और न्यूजीलैंड इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाई, शुरुआत में ही बिगड़ती हुई गेम न्यूजीलैंड की नजर आई। टीम इंडिया ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 166 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। अहमदाबाद में हुए सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने शुभमन गिल के इस परफॉर्मेंस की अगर बात